जी अभी हम शिवाला मंदिर सियालकोट में हैं, ये काफ़ी तारीखी जगह है, इसके बारे में हम ये मकामी हमारे दोस्त हैं इनसे मालूमात लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मौजूदा गवर्नमेंट ने 2019 से स्टार्ट किया कि एक अदारा बनाया गया PDHS, उसके अंदर सियालकोट सिटी के 6 बाग ऐसे उन्होंने रखे गए जिनको दोबारा वो रिपेयरिंग करें, जिसमें ये शिवाला मंदिर भी आता है। आप देख रहे हैं इर्द गिर्द इनके बाग बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया, और शिवाला मंदिर में इनके जो अपने इनके खुदा हैं उनको दोबारा रखा गया, और उनकी रसूमात दिवाली होगी जैसे इनके बहुत सारे शादी के इतमाद वो इधर होते हैं, और जो इनके इधर इर्द गिर्द रहने वाले जो मकामी लोग हैं जो हिंदू हैं वो लोग आते हैं अपनी इबादत करते हैं, और इनका जो मकाम जो मकामी दिन है वो सोमवार और जुमेरात वाले दिन है, और यहाँ पर इनको बाकायदा सिक्योरिटी और तहफ़ भी गवर्नमेंट ने फराहम किए हैं, और ये सब एक तो जो महल्ले में रहते हैं उनकी काविशें और मौजूदा गवर्नमेंट की काविश की वजह से ये दोबारा इनको मिला है। और जैसे आप पहले हिस्ट्री में चले जाएं तो बाबरी मस्जिद के बाद इन सब जगह को उन्होंने क्लोज़ कर दिया था, और दोबारा से इन्होंने बहाल किया, और ये पाकिस्तान के अमन की निशानी है कि यहाँ पर हर किस्म की कौम आबाद है और महफूज है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी हम शिवाला मंदिर पे हैं, शिवाला तेजा सिंह मंदिर, ये काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है और अभी इसकी रेनोवेशन जारी है, और अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया और यहाँ इबादत के लिए भी इसको खोल दिया गया, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जहाँ तमाम अकलियतों को दीगर मजाहब को खुली आज़ादी है कि वो अपनी इबादत गाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल उसको तहफ़ हासिल है। ये बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है और कदीम है, देखें इतनी मेहनत से बनाया गया, बट हालात और वाकयात के साथ साथ थोड़ा इसको इस पर तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब इसकी तजीन व आरइश का काम अभी जारी है, और पाकिस्तान में तमाम अकलियतों को दीगर जो मजाहब हैं उनको बिल्कुल आज़ादी है, और उनकी जो इबादत गाहें हैं वो भी महफूज हैं, और गवर्नमेंट की हर तरह का वहाँ तहफ़ दिया जाता है, और लोगों को यहाँ बिल्कुल इबादत की इजाज़त है, और मौजूदा गवर्नमेंट ने उनको तमाम अपने त्यौहार आज़ादी से मनाने का के लिए तमाम सहूलियात गवर्नमेंट ने मयसर की हैं, और यहाँ होली के और दिवाली के और दीगर उनकी जो त्यौहार हैं हिंदू के वो भरपूर तरीके से मनाए जाते हैं, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान में दीगर जो अकलियतें हैं उन पर बड़ा जुल्म ढाया जाता है और उनको कोई आज़ादी नहीं है, उनकी इबादत गाहों तक रसाई नहीं है, तो ये इस तरह की गलत प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जाता है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और तमाम अकलियतों को यहाँ आज़ादी है, वो अपनी इबादत को हर जगह पर अदा कर सकते हैं, और अपनी इबादत गाहों तक उनकी ईजी एक्सेस है, और उसमें चाहे हिंदू बिरादरी है, उसमें सिख बिरादरी है, उसमें बुद्ध मत हैं, उसमें हमारे जो ईसाई बिरादरी है और दीगर मजाहब जितने भी हैं उनको पाकिस्तान में आज़ादी है, और पाकिस्तान की खूबसूरती भी इसी में है, और बीइंग अ मुस्लिम हमारा पैगाम है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि अकलियतों को हम साथ लेकर चलेंगे, और उसी पर हम उसी को फॉलो करते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट तमाम अकलियतों को वो तमाम सहूलियात फराहम कर रही है कि जिस पे उनके उनका उठना बैठना उनकी इबादत उनके रहन सहन उनके किसी चीज़ कोई डिस्टर्ब ना हो।